Hello students, and welcome back. So now that we have learned about stress and strain, basically elasticity kya hota hai, ye padh liya hai humne. It's time to learn what is elastic energy, how much elastic potential energy gets stored in an object when it is deformed. तो इसके लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है एक रॉड का, जिस पर हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करके इसको स्ट्रेच करते हैं। हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया जिससे ये स्ट्रेच हो गया बाय अ डिस्टेंस एक्स। हमें इस रॉड का यंग्स मॉडुलस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ पता है, और हमें यह भी मालूम है कि हम इस रॉड को एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k इज इक्वल टू ay बाय l है। तो एक फोर्स F लगाने पर जितना एक्सटेंशन इस रॉड में आएगा उतना ही एक्सटेंशन इस स्प्रिंग में भी आएगा, तो ये स्प्रिंग भी सेम लेंथ x से एक्सटेंड हो जाएगी। तो दिस रॉड एंड दिस स्प्रिंग आर सेम। फोर्स कितना होगा? फोर्स इज इक्वल टू kx। इतना एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो ये रॉड या फिर ये स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाएगी। और हमें मालूम है कि किसी भी स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है वो कितना होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेशन भी हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी उतना ही स्टोर होगा जितना हम एक्सटर्नल वर्क करेंगे। So u is equal to f dx ka integration 0 to x, this is equal to f ki jagah kx dal diya, to integration kx dx 0 se lekar x tak, which is equal to half k x square. To u kitna stored hai, potential energy kitni stored hai? Half k x square, where k is equal to ay by l. तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है हाफ ए वाई बाय एल इंटू एक्स स्क्वायर। ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ए वाई x इंटू एक्स बाय एल। एक्स बाय एल क्या है? स्ट्रेन है। अगर मैं इसको दोनों तरफ l से और डिवाइड कर दूं और इस एरिया को इधर ले आऊं तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी u अपॉन ए एल इज इक्वल टू हाफ यंग्स मॉडुलस इंटू एक्स बाय एल इंटू एक्स बाय एल। ये जो एक्स बाय एल है इसको मैं स्ट्रेन कह सकता हूं, और यंग्स मॉडुलस इंटू एक्स बाय एल मतलब यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन को स्ट्रेस कह सकता हूं। दिस इंप्लाइज ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी अपॉन एरिया इंटू लेंथ विच इज द वॉल्यूम। सो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ टाइम्स, ये हो गया आपका यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन दैट इज स्ट्रेस, और ये हो गया आपका सिंपली स्ट्रेन। तो हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, तो पोटेंशियल एनर्जी बाय वॉल्यूम हो गया हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। इसको हम एनर्जी नहीं कहेंगे बट क्या कहेंगे? एनर्जी डेंसिटी। दिस इंप्लाइज एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स टू हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन विच इज आल्सो इक्वल टू हाफ। स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं हम लोग? यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। सो दिस इज इक्वल टू हाफ यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन का
स्क्वायर विच इज ऑल्सो इक्वल टू, अगर मैं इस स्ट्रेन को स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस लिख दूं, सो दिस बिकम्स इक्वल टू हाफ, स्ट्रेन की जगह स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस लिख दिया, ये हो गया स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन यंग्स मॉडुलस। तो एनर्जी डेंसिटी के हमारे पास तीन फॉर्मूले आ गए, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, और हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन यंग्स मॉडुलस। आपको थोड़ा ध्यान रखकर ये तीनों फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला कई बार अप्लाई करना होगा। चूज कैसे करोगे? बहुत सिंपल है, जैसे सारे फॉर्मूले चूज करते हो वैसे इसको भी चूज करना है। अगर यंग्स मॉडुलस दे रखा है और स्ट्रेन निकाल सकते हो तो ये वाला यूज कर लो, अगर यंग्स मॉडुलस दे रखा है और स्ट्रेस आसानी से निकाल सकते हो तो ये वाला यूज कर लो, और अगर यंग्स मॉडुलस नहीं दे रखा है तो सिंपली हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन यूज कर लो। वैसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बेस्ट फॉर्मूला ये होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन निकल गया तो इसको यंग्स मॉडुलस से मल्टीप्लाई करके स्ट्रेस निकाल लो, स्ट्रेस निकल गया तो यंग्स मॉडुलस से डिवाइड करके स्ट्रेन निकाल लो। लेकिन कोई खास फॉर्मूला नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि ये फॉर्मूला एनर्जी का नहीं है बल्कि एनर्जी डेंसिटी का है। और एक और खास बात क्या है कि ये फॉर्मूला सिर्फ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस स्ट्रेन के लिए वैलिड है, ऐसा नहीं है। आप शियर स्ट्रेस स्ट्रेन के लिए क्या लिख सकते हो? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। सेम फॉर्मूला आपके रिजिडिटी के लिए भी वैलिड है। इतना ही नहीं, अगर आपको पहला फॉर्मूला यूज नहीं करना है बल्कि दूसरा फॉर्मूला यूज करना है या तीसरा फॉर्मूला यूज करना है तो ऑल यू हैव टू डू इज रिप्लेस यंग्स मॉडुलस विथ ईटा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। एंड अगर आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस स्ट्रेन की वजह से एनर्जी निकालनी है तो उसका भी फॉर्मूला यही है, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला यही है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। वहां पर अगर आपको पहले की बजाय दूसरा या तीसरा फॉर्मूला यूज करना हो तो आप क्या लिख सकते हो? हाफ इंटू बल्क मॉडुलस इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, या फिर हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन बल्क मॉडुलस। बेसिकली यंग्स मॉडुलस को बल्क मॉडुलस से रिप्लेस कर दीजिए। तो बेसिकली एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन तो तीनों केस के लिए वैलिड है ही है। आप इसको हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू स्ट्रेन स्क्वायर लिख सकते हो, या फिर हाफ टाइम्स स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी लिख सकते हो। अगर आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन है तो ई की जगह यंग्स मॉडुलस आ जाएगा, शियर स्ट्रेस स्ट्रेन है तो ई की जगह ईटा आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आ जाएगा, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस स्ट्रेन के केस में ई की जगह बी आ जाएगा, बल्क मॉडुलस आ जाएगा। तो ये आपके एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। तो याद रखना है ये चीज, सबसे कॉमन मिस्टेक क्या है, लोग इसको एनर्जी का फॉर्मूला समझ लेते हैं, लेकिन ये एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। एनर्जी निकालने के लिए इसमें आपको पूरे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मल्टीप्लाई करना होगा।